मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है रूही और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रोल है. मैं बताऊंगी क्यों. जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो देखा है, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और हज़ारों सालों के बाद मैंने जन्म लिया है. एंड मैं अपने नाग, अपना जो प्यार है उससे मिलती हूँ और कैसे बाधाएँ आती है. थोड़े से जो लड़के हैं वो हम दोनों के प्यार के बीच में टकरार कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स मैं अपने नाग को खो देती हूँ एंड कैसे वो बदला लेती नागिन. द स्टोरी एंड द शो इज़ ऑल अबाउट दैट. वहाँ से शुरू होता है पूरा ड्रामा. तो आप बहुत सारे शेड्स देखेंगे क्योंकि जो ब्रीफ मुझे मिला था नागिन का वो था कि नागिन हैज़ टू लुक लार्जर देन लाइफ. नागिन का जो कपड़े है वो बहुत ही उम्फ और सेक्सी होंगे, गहने वैसे होंगे एंड बहुत ही प्रिटी नागिन होगी. एंड एट द सेम टाइम आपको ऑडियंस को सिंपथी भी दिलानी है. सो इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी कि आपको सेक्सी भी दिखना है, आपको लार्जर देन लाइफ भी दिखना है, आपको अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से प्ले करना है और इमोशनल कैरेक्टर भी लाना है कि लोगों को आपसे सिंपथी आए कि बेचारी के साथ क्या हो गया. तो आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर एंड पावरफुल रोल एंड आई एम हैप्पी कि मैं बालाजी में फिर से आई हूँ. एक मेरी सेकेंड इनिंग है बालाजी के साथ. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं एकता कपूर और बालाजी के साथ जुड़ी हूँ एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी. फर्स्ट सीजन देखा था, सेकंड सीजन मैं नहीं देख पाई. फर्स्ट सीजन मैंने देखा था क्योंकि नया नया था, आई रिमेम्बर, और सब लोगों ने बोला था प्लीज़ ये शो देखो. मोनी ने भी बोला था ये मेरा नया शो है तो प्लीज़ सी. तो मैं जनरली टीवी शोज़ नहीं देखती हूँ, नॉट फॉर एनी रीज़न. मुझे वक्त नहीं मिलता है. मैं ज़्यादा करके इंटरनेशनल शोज़ देखती हूँ, मुझे वहाँ से लर्न करने को बहुत मिलता है और आई लाइक टू डू अदर थिंग्स. बट मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ. पर मैंने ये शो देखा एंड इट वॉज़ वेरी ग्रिपिंग. आई मस्ट से दैट आई रियली लाइक्ड द नागिन्स इन द शो. आई रियली लाइक्ड ऑल द कैरेक्टर्स इन द शो. तो एक ग्रिपिंग कॉन्सेप्ट डेफिनेटली था. एंड दो साल बीत गए हैं और जब तीसरे साल में एकता ने सोचा टू रीवैम्प द शो विद कम्प्लीट डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड व्हेन आई वाज अप्रोच्ड आई वाज वेरी हैप्पी के यू नो फाइनली आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी ए बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली. सो इट्स लाइक अ रियूनियन फॉर मी. एंड सेकेंडली इट्स अ ब्रांड नागिन विच इज डूइंग रियली वेल ऑन टीवी. प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है क्योंकि एक सेट लॉयल फैन है नागिन की और फैंस है दोनों नागिन्स की. तो उसे ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है. बट आई वुड से डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है. मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं अपना 100% दे रही हूँ फॉर मी टू लुक as the previous Nagins were. So I'm trying my best to look as powerful and challenging as the other Nagins. Karishma, would you have chosen a supernatural show had it not been Nagin? Depends actually. I would have chosen depending on the character and how powerful the role is and how challenging it is. The reason why I've not been in this television shows, you have not seen me since a long time, it's because of that only. Because if I'm coming on television and if I'm doing a daily soap or a show where it requires a lot of time, it has to be amazing. The character has to be challenging, otherwise I as an actor start feeling that I'm stuck and stagnant in one role, you know. So that is one of the reasons I have not been on television for a long time. I've done cameos, quick in and out I've done always, but if you see, I have not done like a start to end finish show, because for me to do a start to end show, it has to be acting driven. It has to give me that kick that wow, I'm doing this. Every day I come on the set and I have to feel excited about it, and I'm really excited to do Nagin. My family, my mom was very happy that, you know, my mama was happy that I'm a part of Balaji. बिकॉज मैंने अपना करियर बालाजी के साथ स्टार्ट किया है. तो मम्मा वॉज वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक एंड सो वॉज आई वॉज वेरी इमोशनल दैट वाओ आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग बालाजी एंड दैट टू आई एम डूइंग नागिन. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एकता हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल यू नो टूवर्ड्स मी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. एंड जब मुझे पता चला कि मुझे नागिन का रोल अप्रोच किया गया है तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने जब कैरेक्टर ब्रीफ लिया तो एकता ने मुझे बताया था कि एग्जैक्टली ऐसा रोल मुझे चाहिए. You know, this character was so beautifully written and so beautifully thought
ऑफ यू नो कि ज्वेलरी से लेकर मेरे बाल से लेकर मेरे कपड़े से लेकर मेरी एक्टिंग से लेकर एग्जैक्ट एवरीथिंग वॉज मॉनिटर्ड वेरी ब्यूटिफुली एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस ऑफ दिस रोल. Have you been from any of our Bollywood nannies? Like, Reena Rao has done a fab job of the Definitely. Like, have you watched the movies, Not because of the role I've been offered. I have done, I have seen Reena Roy Ji's film, Nagina. Jitu Ji the usme fab. So I have loved the film. Jab main chori thi, I remember I have seen the film and the melody of the song of that famous song was so beautiful. And jab bhi emotional role ya track karte hai aur aap episodes mein bhi dekhenge, humne same to same wo melody dhun uthai hai aur maine usme ek acha sa performance diya hai. So I'm very excited. And of course we can't miss Sridevi ma'am also. She's been an amazing, beautiful, pretty, sexy Nagin always on films. The best quality of my character is that she has a lot of shades. When she's in love, she shows her love so beautifully, and when she's taking revenge, she's so much into revenge. So the character briefing and the character I'm playing has so many shifts in the emotions, which is very exciting for me to play. Okay, do you believe in supernatural powers? I have never faced or experienced it, but I'm sure there is some supernatural, divine or something there in the universe, जहाँ से ये सब concepts आए हैं. Concepts आए कहाँ से? कहीं से तो आए हैं ना ये concepts. So कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई है ऐसे में, पर not necessarily the 100% is there in the real life. But of course that's why we call it as a fiction show, because it's all fictional. So fiction show में how believable the character can be and कितना हम लोग audience को grip करके रखते हैं और involve करके रखते हैं, that is the challenge. अगर आपसे जानना चाहो कि ऐसी कौन सी चीज आप एक्साइटेड है या करना चाहती है जो फॉरवर्ड आगे चल के कुछ करना हुआ, तो व्हाट वुड बी दैट इन नागिन? ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करना चाहेंगे? अब नागिन में स्टोरीज एवरीडे बदलती है, एवरीडे चेंज होती है, तो आई डोंट नो आगे जाकर क्या होने वाला है, बट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द शो फॉर श्योर एंड आई वुड लाइक टू हैव द स्ट्रॉन्ग रोल जो मेरा है फिलहाल भूमिका. और अगर आप मुझे ऑफ नागिन पूछो, तो आई वुड रियली लाइक टू एसे द रोल, आई मीन एसे मिसेज माधुरी दीक्षित ने इज रोल एज अ बायोपिक. आई वुड लव टू प्ले हर. Worked with him? Yeah, it's beautiful. I've worked with Anita also in the past. I've worked with Chetan Hansraj, I've worked with Rakshanda, I've worked with Pearl also, and it's beautiful to work with all the actors I've worked before, because ek certain comfort level hota hai unke saath. Surbhi ke saath maine kabhi kaam nahi kiya hai, par jitna bhi set pe hum mile hai, she's a lot of fun. So I think, jab aap actors ko jante ho, to ek comfort level aur ek positivity already ban jati hai, and we all are having a lot of fun on the set. Finally, a word for your fans. Please watch Nagin. It's coming on 2nd June only on Colors. And I know कि आप लोग first season और second season से जुड़े हुए हैं और एक loyal fan following है. But I'm sure हमने बहुत मेहनत की है. Concept, storyline, सब कुछ different है. And हम आपको निराश नहीं करेंगे. So please, please watch Nagin 3. Thank you so much. Thank you.
ladies are coming. So tell us about your individual characters in the show. Okay, I am playing Bela's character. She is a farmer's daughter. She is very close to her father. Her father is unfortunately in a lot of debt, and how does she help her father इस सिचुएशन से बाहर आने में, और वो क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, और इस सेक्रीफाइस में वो किस किस फेज से गुजरती है. इट्स ऑल अबाउट दैट, एंड शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली जर्नी, विच इज़ गोना बी फन. बेला इज़ गोना बी फन. ओके, मेरे किरदार का नाम है रूही, और मैं एक इच्छाधारी नागिन प्ले कर रही हूँ शो में. और मेरा जो प्यार है विक्रांत रजत टोकस जो है, उनके साथ मैं हज़ारों सालों के बाद हमारा मिलन होता है, और कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हम दोनों की लाइफ में, कौन बाधाएं डालते हैं, कितने लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, और जब मेरे प्यार को तकलीफ़ होती है तो मैं कैसा बदला लेती हूँ इस शो में. सो इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशनल कैरेक्टर आई कुड से, एंड आई एम श्योर मैं ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम एंटरिंग बालाजी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. मैं विशाखा खन्ना का किरदार प्ले कर रही हूँ. बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही बोल्ड किरदार है. मैंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं किया. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन बिफोर. आई एम वेरी एक्साइटेड. शी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ विट, बहुत ही डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच नागिन 3 ऑन कलर्स फ्रॉम 2nd June. एक्साइटमेंट डबल हो गई जब अनाउंस हुआ कि कब से आ रहा है, एंड द टीजर्स दैट हैज बीन कमिंग. एकता मैम हैज पोस्टेड योर लुक्स, आप दोनों के लुक्स डाले हैं, उसका क्या रिस्पांस मिला, स्पेशली फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जब एकता मैम ने हमारे दोनों के इंस्टाग्राम पोस्ट फोटोग्राफ्स डाले थे. ओवरवेलमिंग था बहुत ही. मिक्स्ड इमोशंस भी थे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर यूज्ड टू वाचिंग season 1 एंड season 2 के कैरेक्टर्स, बट ग्रेजुअली आई कैन सी दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग अनीता एंड मी, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द मंथ और मे बी आफ्टर 2-3 weeks कम्प्लीटली ऑडियंस हमारे फैंस हो जाएंगे एंड दे विल एक्सेप्ट अस. एब्सोल्युटली, आई हैड बटरफ्लाइज इन माय टमी, एंड विद all those comments, and some were good, some were negative, but definitely we're really nervous. It's like stepping into somebody else's shoes, but we are giving 100%. Off-screen shoot pe kis tarah ka mahol bana hua hai lagta hai shooting ka? Sorry, off-screen shoot pe kis tarah ka mahol hai shooting ka? Off-screen bahut I think bahut positive. Exactly, we all are very positive and we all are working so hard, aur jab sabka ek motive hota hai that we have to give a wonderful show, so we all are on the same page. Yeah. So that's why we are saying that we just can't wait to all of you to watch this show, and we are looking forward to 2nd. In fact, kuch hi din pehle main Surbhi se keh rahi thi, main hamesha apna ye date dekhti hu, din change nahi ho raha, sab itna slow kyun ja raha hai? Exactly. Like we are so excited and nervous about it that the time is just not passing. Koi funny incident hum se share kar sakte hain set pe? फनी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं. yes. जैसा ही सेड के एग्जैक्टली इट्स आई नो हाउ आर डायरेक्टर स्पीक्स एंड हाउ इज द डीओपी एंड द एनर्जी वी जस्ट कीप नोटिसिंग थिंग्स. लाइक आई वाज टेलिंग अनीता द अदर डे दैट व्हेन यू सी द मिरर यू ऑटोमेटिकली पाउट. शी सेड या आई नो, व्हेन यू नो व्हेन यू लाफ यू डू योर नोज थिंग एंड ऑल. सो इट्स लाइक yeah, she does that. So it's like yes, we are just getting to know each other, so that is why the atmosphere is very vibrant. Yeah, and I'm still waiting for Surbhi to get me the kheer, because she really makes wonderful kheer. Yeah, see the bonding. Industry mein normally aisa hota nahi ki puri ki puri star cast change ho jaye. Aisa hua isme, to sabse khas reason kya tha? Because it's all together a new show, it's a new season, the brand is same, so the newness is gonna be the biggest USP of this season, because we are coming up with an absolutely new story and new faces, and that is why there is a lot more for you in this show. And also Balaji, I think they are bang on with the casting. वो जो किरदार में कौन फिट होता है वो एकता बहुत ब्यूटिफुली जानती है. सो आई एम श्योर वंस यू स्टार्ट वॉचिंग द शो यू लव इट. आपका लुक हमारे लिए सरप्राइज है, आपका लुक नहीं आया है. सो मेरा लुक मेरे लिए भी सरप्राइज है. फिर भी एक टीजर सा अगर आप हमें बता सकती हैं, as far as what you've come to know about the look that you'll be having. This is what I am right now. You can tell the color. The color? White. White. Yes. White is apparently my
favorite color, you can say. My phone cover is also white. Mm-hmm. Anita gifted me a phone cover which was also white. That's why I actually snatched it from her. And otherwise, what I am right now is very close to Bela, the character I'm playing. मोनी रॉय नहीं है इस सीजन में तो क्या मिस करेंगे अपने ऑडियंस? I have never worked with her, so I'm sure audience will definitely miss her. And of course she has done a fabulous job, and we are also here to do the same. उसकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे. Yes. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है नागिन 3 के लिए? आई थिंक नागिन इतना बड़ा फ्रेंचाइज है कि अगर किसी को भी ऑफर किया गया हो तो हो ही नहीं सकता कि वो एक्साइटेड नहीं होंगे. सीज़न 1 और 2 इतने बड़े सक्सेस रह चुके हैं कि अभी सीज़न 3 के लिए तो लोगों की और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं. तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला है टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज. और जहाँ तक हमने शूट किया है, जहाँ तक कहानी हमें सुनाई गई है, उसमें इतना मसाला है, इतना ड्रामा है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मुझे लगता है कि पहले 2 सीजन्स में जितना मसाला था शायद उन्होंने अभी सीज़न 3 में डाला हुआ है. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि और भी सीरियल्स की इस बार भी बैंड बजने वाली है? मैं बोलना तो नहीं चाहती कि बाकी सारी सीरियल्स की बैंड बजने वाली है, बट लगता तो कुछ ऐसी है. अच्छा, अपने कैरेक्टर में थोड़ा लिटिल बिट ब्रीफ करेंगे? अपने कैरेक्टर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कैरेक्टर का नाम है सुमित्रा सहगल. वो एंडी सहगल की पत्नी है जो चेतन हंसराज प्ले कर रहे हैं, और उनके 3 बच्चे हैं. और कहानी है इस परिवार की और कैसे ये परिवार नागिन की वजह से अफेक्ट हो जाता है, क्यों नागिन की वजह से अफेक्ट होता है, और क्या है रहस्य जो आगे जाके सॉल्व होने वाला है. देखा जाए तो टोटली न्यू कास्ट है, इसमें कोई प्रेशर है? क्योंकि दोनों के दोनों सीजन सुपर डुपर हिट गए हैं. सुपर डुपर हम बोल सकते हैं, कुछ प्रेशर इसके पीछे? हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या आप लोगों पे सीज़न 1 और 2 का प्रेशर है. तो मुझे लगता है नहीं, 1 और 2 का प्रेशर हम पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंटायरली नई स्टार कास्ट है, एंटायरली नई कहानी है. और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तक हमें बताया गया है वहाँ पर ऑलरेडी इतना मसाला डाला गया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों को ये पसंद ना आए. नागिन देखा जाए तो मौनी रॉय के नाम से अब तक जाना जाता था, मौनी रॉय इस बार नहीं है इस सीज़न में, तो क्या उन्हें मिस करेंगे जो फैंस हैं? ऑब्वियसली जो मोनी के फैंस हैं वो कहीं ना कहीं मोनी को ढूंढना चाहेंगे इस शो में. और ऐसा शायद नहीं है कि मोनी बिल्कुल नहीं है, तो उनके फैंस के लिए भी कुछ है. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी कहानी जो क्रिएशन होती है वो हमेशा एक्टर्स और स्टार्स से बड़ी होती है. और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, द रियल हीरो इज़ द स्टोरी. और जब आप ये शो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कहानी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी के बारे में सोचने का. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मोनी के बीच में शायद एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है? अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा है. yeah. लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा नहीं है. तो फिर मैं क्या कह रही हूँ, ये जानने के लिए देखिए नागिन सीजन 3. ओके, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक का शूटिंग का ओवरऑल? अब मेरा एक्सपीरियंस बालाजी के साथ हमेशा ही फैंटास्टिक रहता है, और क्योंकि ये उनका इतना ज़्यादा चहीता शो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे ही इतने चार्ज्ड अप हैं. इट्स जस्ट सच अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू बी पार्ट ऑफ, सच अ फैंटास्टिक शो टू बी पार्ट ऑफ. और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि इतने बड़े फ्रेंचाइज का हिस्सा हूँ, एंड वी आर होपिंग दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक रन. ओके, फाइनली किस तरह से क्या कहना चाहेंगे फैंस? सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर कोई ये कह रहा है नागिन 1 इतना बड़ा सक्सेस था, नागिन 2 इतना बड़ा सक्सेस था, तो भाई नागिन 3 तो उससे भी बड़ा सक्सेस होना चाहिए ना. इसलिए जून 2 से देखते हैं नागिन 3.
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. इट्स फैंटास्टिक. जैसा स्टोरी, जैसी स्टोरी है, जैसे हमारे रोल है और जैसी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, इट्स गोइंग टू बी सुपर. बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और एकदम फ्रेश कास्ट है और फ्रेश स्टोरी है. लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा और इतने फ्लेवर्स हैं बिकॉज हर एक्टर अपने साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स ला रहा है शो में. इट्स ब्यूटीफुल. ब्रांड बन गया देखा जाए तो, जब ऑफर हुआ किस तरह का रिएक्शन था? पहले तो हमारा ही रिएक्शन बहुत कमाल का था बिकॉज इट्स बालाजी एंड इट्स एकता मैम एंड आई ट्रस्ट हर इन एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर. एंड बहुत ही खुशी हो रही थी इस बात को सोच के कि ये एक्चुअली नागिन एक ब्रांड बन चुका है, तो आप उस ब्रांड को कैरी कर रहे हो साथ में. एक साइमल्टेनियसली एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शोल्डर्स पे कि हमें इसको बहुत अच्छी तरह निभाना है. एंड लाइक वी आर ऑन इट. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें बहुत अच्छी कास्ट मिली है. हम लोग बहुत अच्छी तरह जेल हो गए हैं. बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करके. एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटीज थे. देयर लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑन सेट. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट नागिन इज़ वन ऑफ द टॉप शोज. एंड जब मुझे कॉल आया आई वाज लाइक या यू नो बिकॉज यू वांट टू डू अ बिग शो एंड यू कांट गेट बिगर देन नागिन. तो जब मुझे कॉल आया इसके लिए आई वॉज लाइक रियली एक्साइटेड. एंड व्हेन आई वेंट ऑन सेट और जैसे मैंने सब कास्ट को देखा एंड दीज बॉयज यू नो दे आर स्टिल फ्रेश. ओके एंड बट उनका जो एक्टिंग का तरीका है सब मंजू है, लाइक नए हैं, लेकिन एवरी वन इन द शो इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड ऑल गुड लुकिंग एंड ग्रेट बॉडीज. डेफिनेटली जब नागिन का कॉल आया तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन ये था कि ओके मैं बस उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, रोल जैसा भी होगा मैं देख लूँगा. बट जब मुझे कैरेक्टर ब्रीफ मिला यूवी का, एज लाइक you have to be lucky enough to play UV character. Yeah. And I am really lucky to play UV character. आप लोग के reactions थे, घर वालों के reactions थे? घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी मॉम नागिन फर्स्ट भी देखती थी, नागिन सेकंड भी देखती थी. जब उन्हें पता चला कि मैं नागिन 3 कर रहा हूँ तो शी वॉज रियली हैप्पी. एंड होता ही है, मॉम या कोई भी हमारे जितने भी क्लोज वंस हैं जो चाहते हैं हम लोग कुछ अच्छा करें, उनको अगर ये पता चले कि हम कुछ वैसा कर रहे हैं जो उन्हें ऑलरेडी पसंद है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर अस ऑल्सो. Yeah, my family though is thrilled. My friends are thrilled. I didn't know they all watch Nagin. You know, normally people like hamare age ke guys, you know, they don't watch so much TV. But Nagin is one show everybody watches. So, sab bahut khush hai aur main to zyada hi khush hu. Of course, mujhe to aisa hi laga ki ek bahut hi bada show hai aur logon ke reaction expected the ki Nagin pehle se hi bahut ek favorite serial raha hai, series rahi hai. अभी ऐसा रहा कि मैं जिम जा रहा हूँ या शॉपिंग करने जा रहा हूँ या लिफ्ट में हूँ कहीं पे भी हूँ, तो इज़ लाइक अरे नागिन थ्री. बट अभी एक बार शो चालू हो जाएगा फिर देखना. किस तरह का प्रेशर है देखा जाए तो फिर, और कुछ क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अभी तो कुछ प्रेशर अभी तो कुछ. द गुड थिंग इज दैट देयर इज नो प्रेशर. द स्टोरी इज सो गुड, द कास्ट इज सो गुड, कोई प्रेशर नहीं एक्चुअली. कोई प्रेशर नहीं फिलहाल, तो गर्मी बहुत है उसी का प्रेशर है. शो का तो प्रेशर नहीं होगा, हमें मज़ा आ रहा है साथ में काम करने. प्लीज वॉच द शो एंड प्लीज गिव अस द लव व्हाट यू गिवन ऑल द नागिन्स बिफोर. सो नागिन 3 आई एम गोना टेल यू इज गोना रॉक डेफिनेटली. थैंक यू.